बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो है कि हम अडोब फोटोशॉप पे गिफ एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले अडोब फोटोशॉप ऑन करेंगे। सिंपल आपने टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है और चैनल का नाम मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स और यूट्यूब चैनल, और ऊपर रेक्टेंगल लगाई हुई है। रेक्टेंगल लगा के ये मैंने एक सिंपल सा सी पिक्चर एक तैयार की हुई है, डिज़ाइन तैयार किया हुआ है एक सिंपल सा। तो अब इसको गिफ एनिमेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन है एडिट टू, एडिट इन इमेज, एडिट टू इमेज रेडी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अडोब इमेज रेडी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे विंडो में जाना है, विंडो एनिमेशन, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, एनिमेशन की लेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अब हमने ये जो रेक्टेंगल है इसको हम साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे आके अब हमने क्या करना है, सिंपल एक डुप्लीकेट करंट फ्रेम ले लेना है। यहाँ पे डुप्लीकेट करंट फ्रेम लेंगे तो हमने फिर क्या इसको करना है, सिंपल इसको वापस ले आना है अपनी जगह पे। यहाँ पे वापस आके अपनी जगह पे इसे छोड़ देना। यहाँ पे ऑप्शन है ट्वीन, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कितने फ्रेम ऐड करने हैं। तो यहाँ से आप जितने फ्रेम ऐड करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, 5 लिख के ओके करेंगे तो उतने फ्रेम ऐड हो जाएंगे। तो हम जब प्ले करेंगे तो ये देखें हमारी जो हम जो रेक्टेंगल गई थी साइड प्ले, वहाँ से वो राइट साइड पे आ रही है। तो ये हो गया एक जो रेक्टेंगल है, हमने इसका बना लिया। स्टॉप करेंगे, स्टॉप यहाँ पे एंड पे जाएंगे। अब इसी तरह ये जो है इसको भी हम साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से अगर आप इसको राइट साइड से लेके आना चाहते हैं तो राइट साइड पे ले जाएं, अगर लेफ्ट साइड से लेके आना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे ले जाएं। हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि ये राइट साइड से आए। तो अब इसी तरह हम एक और डुप्लीकेट करंट फ्रेम लेंगे, फिर इसको इसी तरह सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारा रेक्टेंगल थी हमने राइट साइड पे लेके गए थे, अब इसको वापस लेके आना है अपनी जगह पे। ये अपनी जगह पे वापस आ गई। इसी तरह हमने ट्वीन ऐड करने हैं। अब यहाँ पे भी 10 फ्रेम करते हैं, ओके। आप प्ले करेंगे, पहले ये इधर से आएगी, अब ये इधर से, ये हमारा एक ये गिफ एनिमेशन बन गया है। इसी तरह अगर आप ये नाम वगैरह जो लिखा हुआ है चैनल का, इसको भी लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेके आना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसको भी ले आके तो आप एक गिफ एनिमेशन बना सकते हैं। आप इसको सेव कैसे करना है, अब यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एनिमेशन फ्रेम, ये फ्रेम जो हैं ये सेव होंगे। तो हमने सेव अब यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज, यहाँ पे गिफ एनिमेशन, हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, सेव। अब ये हमारा ये गिफ एनिमेशन सेव हो गया है। अब हम इसको प्ले करते हैं, ये है तरीका गिफ एनिमेशन बनाने का। हम अडोब फोटोशॉप पे जो भी डिज़ाइन बना के फिर उसको अडोब इमेज रेडी पे लेके आके यहाँ पे हम उसका एक गिफ एनिमेशन बना लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।